नमस्ते, स्वागत है आपका ट्रेडिंग की बात में। आज हम फिर से लाए हैं एक और एपिसोड विद अ वेरी वेल नोन पॉपुलर ट्रेडर। इनका नाम है सौरभ सिसोदिया। सौरभ बिजनेस न्यूज चैनल्स पे भी आते हैं एंड ही पुट्स अप लॉट ऑफ गुड कंटेंट ऑनलाइन। सौरभ के साथ आज हमारी डिस्कशन रहेगी नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग पे। सौरभ स्पेसिफिकली बात करेंगे कि ये स्ट्रैंगल्स को कैसे ट्रेड करते हैं और अपनी पोजीशंस को कैसे मैनेज और एडजस्ट करते हैं। चलिए आइए बात करते हैं सौरभ से और सीखते हैं स्ट्रैंगल ट्रेडिंग के बारे में। Hi Saurabh, welcome to Trading Ki Baat. Hi Arjun, thank you for inviting me. It's a pleasure talking to you and hopefully audience ko kuch insightful mile aaj ke conversation se. I am 100% sure audience including me ko bahut kuch milne wala hai seekhne ko aapse. To audience ko main batana chahunga ki Saurabh ek popular trader and ek TV analyst to hain hi. Saath mein yaar ye memes bhi bahut acche banate hain. To Saurabh ye kahan se idea aata hai itne badhiya videos banane ka? ऐसे ही एक्चुअली इफ यू सी जो इंस्टा पे ऑडियंस है उनको आप ज्ञान दोगे तो वो नहीं चलेगा। तो जो भी वीडियोस में मैंने बहुत टाइम डाला है, बहुत सोचा है कि यार ये नॉलेज दूंगा, उस पर व्यूज ही नहीं आते। जिसमें आप टाइम पास करते हो, मस्ती करते हो, ऑडियंस को वो पसंद है। तो हर प्लेटफॉर्म की अलग ऑडियंस है। यूट्यूब पे जैसे आप कर रहे हैं, यहाँ पे ऑडियंस को काफी ज्ञान पसंद है, तो यहाँ पे आप मस्ती वाले मीम्स बनाओगे तो वो चलेंगे ही नहीं। बट इंस्टा पे आप वैसे कॉन्टेंट बनाओगे तो वो चलता है। तो हर प्लेटफॉर्म का एक अलग ऑडियंस है एंड आई थिंक सब ऑडियंस को अलग चीजें पसंद है। तो आई एम श्योर हमारी जो आज की ऑडियंस है ये आपसे सीखना चाह रही है कुछ ट्रेडिंग रिलेटेड। आपकी एक्सपर्टीज नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में है एंड यू डू लॉट ऑफ स्ट्रैंगल्स। तो सौरभ पहले तो यार व्हाई डू नॉन डायरेक्शनल, क्या एडवांटेज मिलता है नॉन डायरेक्शनल में एंड स्पेसिफिकली आप स्ट्रैंगल्स क्यों करते हो? यस अर्जुन, तो मैं एक स्क्रीन शेयर भी कर लेता हूँ मेरी पहले। सो ओके, तो सी दो क्वेश्चंस थे आपके कि पहली बात तो स्ट्रैंगल्स क्यों करता हूँ एंड नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग क्यों। तो सी सबको जैसे कि पता है कि ऑप्शंस एक डीकेइंग एसेट है, जैसे जैसे टाइम जाता है ऑप्शंस की वैल्यू लूज होती है। तो इस चीज को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं ऑप्शंस बेच के, तो उसको हम डिस्कस करेंगे कैसे करना है। बट बेसिकली एक कॉन्सेप्ट इतना पता है कि मार्केट में जैसे कि टाइम डीके का कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे टाइम आगे जाता है ऑप्शंस की वैल्यू लूज होती है। एंड हमारे यहाँ पे एक अच्छी बात है कि वीकली ऑप्शंस है, तो अगर आपने फ्राइडे को एक व्यू लिया है एंड थर्सडे तक वो व्यू, अगले थर्सडे तक वो व्यू मटेरियलाइज हो गया, तो भले मार्केट आपको सिर्फ एक छोटा सा व्यू ले लेके समझो बैंक निफ्टी ये लेवल के नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा, एंड अगर मार्केट उस लेवल के नीचे या ऊपर रहता है आपको पूरा ऑप्शन का प्रीमियम मिल जाता है। तो जैसे जैसे टाइम जाता है, बिकॉज सिर्फ 5 दिन है, अगर आपका व्यू थोड़ा हल्का सा भी राइट हो गया आपको डीके जल्दी मिलता है। तो इसीलिए ऑप्शन सेलिंग या टाइम डीके का कॉन्सेप्ट इज पॉपुलर एंड जितने शॉर्ट डेटेड ऑप्शंस है उतना इट्स इजी, बिकॉज आपको बड़ा लंबा व्यू नहीं चाहिए कि पूरे अगले एक महीने तक मार्केट कहाँ रहेगा। आपको छोटा सा व्यू चाहिए कि अगले हफ्ते तक मार्केट ये लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, ये लेवल के नीचे नहीं जाएगा। एंड ये बैंक निफ्टी का डेटा है पिछले 2005 से, तो आप इसमें देखोगे कि 80% ऑफ टाइम, तो आप ये देख रहे हो बेसिकली ये मूवमेंट है 1% to 2%, लाइक -1 to +1, +2 to +2। तो आप देख रहे हो -5 to +5, 80% ऑफ टाइम फॉर द वीक बैंक निफ्टी में 5% से ज्यादा मूव नहीं आता है। एंड आप देख रहे हो कि 2020 जब कोरोना हुआ तब मार्केट में बड़े मूव आए थे आउटसाइड 5% रेंज वाले, ओके। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जनरली रेंज में रहता है। एंड जैसे कि हम कहते भी है कि लाइक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज 20% ऑफ टाइम में आपको ज्यादा पैसा बनाती है एंड 80% ऑफ टाइम आपको लाइक विप्सॉस होती है। और नॉन डायरेक्शनल एग्जैक्टली उसका उल्टा है कि 80% ऑफ टाइम मार्केट ज्यादा हिलेगा नहीं एंड 20% ऑफ टाइम बहुत हिलेगा, एंड तब आपको रिस्क मैनेजमेंट आपका बहुत जरूरी है। आज हम वो वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे कि वो 20% टाइम जब मार्केट बहुत हिलता है तब रिस्क को कैसे मैनेज करना है। तो अगेन ये जो आपका डेटा है, यस, एज पर दिस डेटा जो थर्सडे टू थर्सडे रेंज है ये, यस, तो थर्सडे टू थर्सडे आप कह रहे हो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मोर देन 75%, 3/4 ऑफ द टाइम 5% से ज्यादा मूव नहीं आता थर्सडे टू थर्सडे फॉर द वीक, यस, ओके। सो दैट गिव्स यू अ रेंज जिसके ऊपर आप स्ट्रैंगल बना सकते हो, यस। एंड नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि स्ट्रैंगल्स क्यों बनाना है एंड स्ट्रैडल नहीं। तो सी मेरा जो कॉन्सेप्ट है नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग के लेके ये है कि सी मुझे बेसिकली आप कोई भी ऑप्शन सेल करो, इन दी एंड आपको डीके कैप्चर करना है। तो आप जितने पास के ऑप्शन, सपोज आप स्ट्रैडल सेल कर रहे हो, तो स्ट्रैडल में क्या होता है, यू हैव टू गो राइट, लाइक आपको मार्केट बिल्कुल साइडवेज ही चाहिए, बिकॉज स्ट्रैडल में समझो थोड़ा भी मूव आया, फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक निफ्टी 45,000 पे चल रहा है, आपने 45,000 का स्ट्रैडल बनाया एंड मार्केट में समझो 200 पॉइंट का मूव आ गया, तो चांसेस है एक लेग में थोड़ा सा आपको लॉस होगा एंड आपको नेट यू हैव टू कंटिन्यूसली रोल, लाइक आपको स्ट्रैडल को मैनेज करना पड़ेगा। बट स्ट्रैंगल में क्या है कि मेरा एक व्यू है कि मार्केट इस रेंज के अंदर रहेगा इस वीक के लिए या आज के लिए, एंड अगर मार्केट में मूव आता तो वो मेरे लिए मैनेजमेंट ईजी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से भी बताऊंगा, मैं भी पहले स्ट्रैडल्स ही करता था
एंड देन ओवर टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि स्ट्रैडल में जो मेरे स्लिपेजेस आ रहे थे काफी ज्यादा आ रहे थे, स्ट्रैंगल में स्लिपेजेस कम हो रहे थे, एंड स्ट्रैंगल में मैं स्पाइक को कैपिटलाइज कर पा रहा था। मार्केट में स्ट्रैडल में 100 पॉइंट का स्पाइक आ रहा है तो मेरे स्ट्रैंगल में वो स्पाइक 50 पॉइंट का आता था, एंड जब स्पाइक आ रहा तब मैं एक्सपेंसिव प्रीमियम पे आ रहा था तो मैं उसको कैपिटलाइज कर पा रहा था। इसको एक एग्जाम्पल भी दूंगा, कल का एक दिन है और एक और दो एग्जाम्पल मैंने लिए हुए इसी पॉइंट को डिस्कस करने के लिए कि स्ट्रैंगल्स को मैं कैसे मैनेज करता हूँ, स्पाइक्स को कैसे मैनेज करता हूँ। बिकॉज अगर आप देखोगे पिछले 6-7 महीनों से नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स को डिफिकल्टी हो रही है मार्केट में, बट इनफैक्ट हम 6 महीने में लाइक हैव बीन रिलेटिवली गुड फॉर अस बिकॉज हम स्पाइक्स में कैपिटलाइज कर पा रहे थे, पोजीशन से बाहर नहीं जा रहे थे, एंड जब वापस स्पाइक कूल ऑफ हो रहा था उसका बेनिफिट ले पा रहे थे। तो अर्जुन इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यस नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग क्यों करना है बिकॉज मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज होता है। बट एक चीज ये है कि जब मार्केट में मूवमेंट आता है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, बिकॉज नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग या ऑप्शन सेलिंग में कहते हैं यू ईट लाइक ए चिकन बट यू शिट लाइक एन एलिफेंट। तो आपको 80% टाइम पैसा तो बनेगा बट जब वो 20% जाएगा तब आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सेलिंग में सबसे जो एक गुरु मंत्र है कि आपको लॉसेस बड़े नहीं करने, बिकॉज सी ट्रेंड फॉलोइंग में आप बड़े लॉस करोगे तो आपके पास पोटेंशियल भी है कि आपको 1000 पॉइंट की ट्रेंड मिल सकती है। राइट, नॉन डायरेक्शन आपके पास वो क्वेश्चन नहीं है कि आपको 1000 पॉइंट का डीके मिलेगा, तो आपने कभी भी कोई भी दिन बड़ा लॉस कर लिया तो आपको 2-3 महीने तो आपके खराब हो जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इसको कैसे करना है मैनेज रिस्क वो भी अपन डिस्कस करेंगे। बट यस नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करनी है क्योंकि मार्केट मोस्टली साइडवेज रहता है, आपको ये एक सपोज एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपकी डायरेक्शनल स्ट्रेटजी के साथ। सपोज आप कोई डायरेक्शनल स्ट्रेटजी रन कर रहे हो तो उसके साथ थोड़ा सा एलोकेशन नॉन डायरेक्शन को दो तो जब मार्केट साइडवेज है तब ये स्ट्रेटजी पैसा देगी, जब मार्केट डायरेक्शन है तब आपको डायरेक्शन से पैसा बनेगा। तो आज नॉन डायरेक्शन डिस्कस करेंगे एंड स्ट्रैंगल्स क्यों करता हूं उसको भी एग्जांपल से और समझेंगे। परफेक्ट, आई थिंक वेरी वेल समराइज सौरभ, और मुझे आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि नॉन डायरेक्शनल में बड़ा लॉस आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो क्योंकि एज यू राइटली सेड वो स्कोप ही नहीं है आपके पास उतना प्रॉफिट कमाने का। तो अगर आपने लॉस कर दिया अपनी कैपिटल पे 8-10% का तो उसको रिकवरी में यू आर एब्सोल्युटली राइट 2-3 महीने जाने ही वाले हैं। तो यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड दोनों का ख्याल रखते हुए ट्रेडिंग करनी है। यस अर्जुन बिल्कुल सही, ठीक है। तो सौरभ जब स्ट्रैंगल्स में आप ट्रेडिंग करते हो तो आप क्या देख के एंट्री लेते हो, क्या सिनेरियो में एंट्री लेनी चाहिए, एंड स्ट्रैंगल्स के लिए क्या कोई पर्टिकुलर यू नो टाइप ऑफ मार्केट भी होती है जिसमें ज्यादा बेनिफिशियल रहता है स्ट्रैंगल्स को ट्रेड करना? यस बिल्कुल, तो सी पहले तो मैंने डिस्कस कर लिया कि नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करना क्यों है। ये बैंक निफ्टी का डेटा है, मार्केट मोस्टली साइडवेज रहता है, एंड ये अगर आप देखो बैंक निफ्टी वीकली ऑप्शन मई 2016 से हुई है तो आप 2016 से आपको अच्छी तो बैक टेस्ट करके भी देख सकते हो कि मार्केट की वोलेटिलिटी क्या रहती है, क्या रेंज रहता है। तो सी सबसे पहले जैसे कि आपने क्वेश्चन कहा कि क्या बेचना है एंड कब बेचना है वो इंपॉर्टेंट। सी सबको पता है ऑप्शन बेचने से पैसा बनता है बट कब बेचना है एंड क्या बेचना है, कौन सी स्ट्राइक्स बेचनी है। तो एक सिनेरियो है तो जब बैंक निफ्टी की रेंज आज का ओपन कल के रेंज के अंदर है, विच मीन्स आज बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है कल से हाई और लो के बीच में, तो ये उस दिन का वैलिन प्लॉट है। वैलिन प्लॉट बेसिकली क्या करता है, अब जो एक्स एक्सिस पे देखोगे ये डेली परसेंटेज रिटर्न है, तो बेसिकली ये रिटर्न्स को प्लॉट किया हुआ है कि रिटर्न्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो डॉट है जो वाइट डॉट है दिस इज द मीडियन, विच मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द डेटा अगर आप देख रहे हो -1 से +1% के बीच में, तो ये आपको ये बता रहा है कि डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप देख रहे हो जब भी बैंक निफ्टी का ओपन आज का ओपन कल के रेंज के अंदर है तो उस दिन का जो डेली रिटर्न है वो जनरली -1 से +1 के अंदर होता है। आप देख रहे हो कुछ कुछ दिन मार्केट में मड़ा बूम भी आया है, यस कुछ कुछ दिन आया, पर आप देखो वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है काफी कम है, वहां पर डेटा काफी कम है, आप देख रहे हो मेजोरिटी ऑफ द डेटा यहीं पर है -1 to +1 के बीच में। तो ये एक आइडियल सिनेरियो है कि मार्केट में चांसेस है कि साइडवेज रहे, साइडवेज वी आर टेलिंग क्लोज टू क्लोज लाइक ओपन टू क्लोज के मार्केट ओपन हुआ एंड क्लोज लगभग उसके आसपास ही हुई है। तो ये दिन पे आप बेसिकली चांसेस है कि आपको नॉन डायरेक्शन में अच्छा पैसा बने बिकॉज मार्केट एक रेंज के अंदर है, तो कल का जो हाई है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, कल का जो लो है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, एंड मार्केट इसी रेंज में चांसेस है कि एक ट्रेड करे। तो मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे बैक टेस्ट पे भी मैंने देखा कि जब ये कंडीशन ट्रू होती है, इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे, जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वैलिन प्लॉट भी वही बता रहा है कि मेजोरिटी ऑफ द डेटा एक रेंज के अंदर है -1 to +1, एंड जब ये कंडीशन ट्रू होती है तब चांसेस है कि नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग के लिए आपको एक स्मूथ डीके मिले। सो मतलब व्हेनेवर द मार्केट ओपन्स विद इन यस्टरडेज रेंज, पिछले दिन की रेंज के अंदर खुल रहा है, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है नॉन डायरेक्शनल में कमाने की। बिल्कुल, गॉट इट, ठीक है सौरभ। यस, तो ये इसी सिनेरियो को हम डिस्कस करेंगे बिकॉज ऐसे काफी सिनेरियोस हैं कि मार्केट कल का हाई भी ब्रेक करे, कल का लो भी ब्रेक करे, उसको हम कंसिडर नहीं करें, बट हम इसी सिनेरियो को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। एंड सी मोर देन नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में जो मुझे रियलाइज हुआ है
कि मोर देन द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तो मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा, बट ट्रेड को मैनेज कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, उस पर हम काफी टाइम स्पेंड करेंगे, काफी सिनेरियोज लेंगे, बिकॉज नॉन डायरेक्शन में जब पैसा बन रहा है तब सब बनाएंगे, जब मार्केट डिफिकल्ट है तब आप कितना छोटा लॉस कर रहे हो या एकदम मिनिमल लॉस पे पोजीशंस आउट हो रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आज हम लोग उसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सिनेरियो या कंडीशंस क्या आपको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं। तो बेसिकली ये जो भी स्ट्रेटेजी है इट्स कंप्लीटली इंट्राडे, ओके। तो व्हेनेवर मार्केट ओपन इज विद इन प्रीवियस डे रेंज, मतलब अगर बैंक निफ्टी सुबह 9:15 को कल के हाई या लो के बीच में ओपन हो रहा है तो आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, चेक इफ टूडेज ओपन इज इन प्रीवियस डे रेंज, ओके। तो 9:15 को आपने ये चेक कर लिया है, आपको देखना है कि 9:25 तक कल की रेंज ब्रेक नहीं हुई है। लेकिन कितनी बार ऐसा होगा मार्केट खुल के कल का हाई ब्रेक कर दे या कल का लो ब्रेक कर दे, तो 9:25 तक वो रेंज ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ओके। तो बेसिकली सेकेंड पॉइंट क्या है, आप एक ट्रायंगल बनाते हो, ओके, 9:26 पे अगर पहली कंडीशन ट्रू है, तो अब ट्रायंगल में स्ट्राइक्स कैसे सिलेक्ट करनी वो हम डिस्कस करते हैं। बट बेसिकली आपको सी आपको मार्केट पे व्यू है नॉन डायरेक्शनल, आपको लग रहा है कि मार्केट आज साइडवेज रहेगा, तो आप जो कॉल या पुट बेच रहे हो बेसिकली आपको सिमिलर प्रीमियम्स के बेचना है। वो एग्जांपल से लेंगे कौन से स्ट्राइक्स बेचनी कैसे बेचनी हम एग्जांपल से समझेंगे, ओके। पर जो भी कल का हाई या कल का लो है उसके बाहर के आप स्ट्राइक्स बेच सकते हो, ठीक है। ये बेचने के बाद आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो ओटीएम पे रखना है, इसको भी एग्जांपल से समझेंगे कैसे करना है, पूरा डिटेल एग्जांपल लेंगे। एंड आपको इसको 245 तक आप ट्रेड में रुक सकते हैं, 245 आपको ट्रेड से एग्जिट करना है। तो अगर कंडीशंस क्लियर है तो इसको एग्जांपल से और समझते हैं। तो बेसिकली आपको क्या चेक करना है कि मार्केट कल के रेंज के अंदर है एंड 9:25 तक कल की रेंज ब्रेक नहीं हुई है, अगर ये ट्रू है तो आपको स्ट्रैंगल बनानी है एंड आपको स्टॉप लॉस ओटीएम लेग पे रखना, मतलब जो आप स्ट्राइक बेच रहे हो उससे दूर जो ओटीएम्स है उस पर स्टॉप्स रखना है, उसको कैसे करना है एग्जैक्टली वो समझेंगे। एंड 245 तक आपको ट्रेड में रहना है एंड आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। तो सबको ये स्टॉप्स कैसे रखने हैं, ट्रेल कैसे करना है, इसको हम डिटेल में एग्जाम्पल से समझेंगे। परफेक्ट, आई थिंक सौरभ क्लियर है, जो भी आपने रूल्स बताए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। ओके, तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ओके अर्जुन, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये रिसेंट एग्जाम्पल है 4 अगस्त 2023, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखो मार्केट कल के रेंज में ओपन हुई है, ओके, एंड 9:25 तक कल का लो और हाई ब्रेक नहीं हुई, ये कल का लो है, ओके, एंड ऊपर में ये कल का हाई है। तो 9:25 तक कोई भी साइड रेंज ब्रेक नहीं हुई और हमारी कंडीशन ट्रू हुई है, ओके। सो यहाँ पे जो मार्केट की ओपन है लगभग 44,800 के आसपास हुई है, ओके। तो सी अब आपको स्ट्राइक्स कैसे सिलेक्ट करनी है, तो अभी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अब जो भी स्ट्राइक सेल कर रहे हो बेसिकली ऑलमोस्ट सिमिलर प्रीमियम होने चाहिए, ओके। तो सी आपको कोई ना कोई साइड थोड़ा सा स्क्यू मिलेगा पर जनरली सिमिलर प्रीमियम होने चाहिए। तो यहां पर ओके, यहां पर मार्केट 44,750 के आसपास ओपन हुई है, तो मैं इक्विडिस्टेंस स्ट्राइक ले रहा हूं, मैं 44,500 एंड 45,000 ले रहा हूं, ओके। सो दिस इज 4 अगस्त 23 एंड ये एग्जाम्पल मैं स्पेसिफिकली ले रहा हूँ बिकॉज ये डे काफी डिफिकल्ट था, ये रिसेंट है, कल का ही दिन था, हम सैटरडे को शूट कर रहे हैं, फ्राइडे को ये दिन था, काफी डिफिकल्ट था। तो मार्केट की जो ओपन हुई थी, बैंक निफ्टी जो ओपन हुई थी वो हुई है 44,750 के आसपास, तो 44,750 के यहाँ पे ओपन है एंड इन साइड विद इन येस्टरडेज रेंज, ओके, ठीक है। बेसिकली आपको अगर मार्केट कल के रेंज में ओपन हो रही है, 9:25 तक रेंज ब्रेक नहीं हो रही है, तो हमने जैसा कहा हम इक्विडिस्टेंट लाइक बेसिकली सिमिलर प्रीमियम वाली स्ट्राइक बेचेंगे, तो 44,500 ओके एंड 45,000। सी आप 44,500 45 भी बेच सकते हो, आप 44,500 भी बेच सकते हो, कॉन्सेप्ट सिमिलर है, जितने एक्सपेंसिव प्रीमियम बेचोगे उतना ज्यादा डीके आएगा, रिस्क भी थोड़ा सा ज्यादा है, जितने दूर बेचोगे डीके उतना कम आएगा, रिस्क भी उतना कम है। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, स्ट्राइक सिलेक्शन आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट सेम है कि आपको बेसिकली बेचना है एंड उसको मैनेज कैसे करना है वो मैं समझा दूंगा, फिर स्ट्राइक्स आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं 44,500 और 45,000 ले रहा हूँ, ओके। सो 44,500 का पुट, ओके, तो या 44,500 का पुट, ओके, 9:25 के आसपास 200 रुपये पे था, ओके, ठीक है, ठीक है। तो हम अज्यूम करें राउंड फिगर के लिए 200 पे हमने सेल किया, ठीक है, दिस 44,500 पुट, ओके, एंड हम कॉल भी सेल कर रहे हैं 45,000 का, ठीक है। सो ठीक है, और कॉल ये 9:30 के आसपास था, देख रहे हो 160 के आसपास है, करेक्ट, ओके, सो 160,
है, थोड़ा बहुत फ्यू रहेगा बिकॉज जनरली पुट साइड थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम रहेगा इक्विडेशन स्ट्राइक पे, बट ये बेसिकली हमारा लॉजिक है कि मार्केट कल के रेंज में ओपन हुआ है एंड हम दोनों इक्विडेशन पुट एंड कॉल बेच रहे हैं, ओके तो वी आर डूइंग दिस। तो मैं इसको आपको सिर्फ यहां पे एक लोड कर लेता हूं ऑपस्ट्रा पे, ठीक है। तो हम बेच रहे हैं 44,500 का पुट, ओके, एंड हम बेच रहे हैं 45,000 का कॉल। सो अभी मैं इसको सिर्फ प्राइजेस थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ कल के हिसाब से। तो 200 पे ये बिका है एंड कॉल आ रहा हूँ 160 पे बिका, ठीक, ओके। सो तो आपने बेसिकली ये समझ में आ गया कि सबसे पहले अगर मार्केट कल के रेंज के अंदर है, रेंज ब्रेक नहीं हो रही है प्रीवियस डे की, तो आपको बेसिकली सिमिलर प्रीमियम वाले कॉल पुट बेचने हैं इक्विडेशन स्ट्राइक पे। तो आपने ये कर लिया। अब ये करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखो तो ये तो जो पे ऑफ है ये एक्सपायरी का है, बट आपको एक चीज समझ में आ रही है कि मार्केट अगर रेंज में रहेगा तो धीरे धीरे आपको टाइम डीके मिलेगा, राइट। बट आप एक चीज देख रहे हो कि लॉसेस अनलिमिटेड दोनों साइड, कि अगर मार्केट में बहुत बड़ा मूव आ गया तो आपका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, राइट, ओके। तो आप बेसिकली आपको क्या करना है, आपको जितना भी क्रेडिट मिला है, सपोज इन दिस केस आपको जो क्रेडिट मिला है वो कितना मिला है, आपको मिला है 360 points, राइट। तो जितना आपको क्रेडिट मिला है उतना ही आपका ब्रेक इवन आएगा उतने पॉइंट्स दूर। तो अगर देखो इस एग्जांपल में आपका देखो ऑन द अपसाइड हायर साइड क्या ब्रेक इवन आ रहा है 40/360 बिकॉज़ हमको 360 पॉइंट्स मिले एंड लोअर साइड में 360 पॉइंट्स ब्रेक 40/140, यस। सो बेसिकली आपको जितना क्रेडिट मिला है ओके उतने दूर स्ट्राइक आपको ओटीएम पे स्टॉप लॉस रखना है, ओके। अब स्टॉप लॉस कैसे रखना है वो समझते, बट आपको ये क्लियर हो गया बेसिकली आपने पहले स्ट्रैंगल बना ली, पर सी स्ट्रैंगल बनाते ही आपको एक चीज हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए कि लॉस अनलिमिटेड है, कि मार्केट में कभी भी मूव आ सकता है एंड बैंक निफ्टी काफी वोलेटाइल है, 200-500 पॉइंट मूव 5 मिनट में उसको मूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलना है। तो बेसिकली आपने जैसे ही ऑप्शन सेल किया है आपको पता है कि आपको कौन से स्ट्राइक पे स्टॉप लॉस रखना है, तो बेसिकली आपको जो भी आपके ब्रेक इवन लेग्स है उन स्ट्राइक्स पे ऑप्शन पे स्टॉप लॉस रखना है, ओके। तो बेसिकली ऑप्शन बाइंग पे वहां पे लगाना है उन लेवल्स पे, यस। उसको कैसे रखना है अब हम डिस्कस करते हैं। तो जो जो हमारा ब्रेक इवन आ रहा है, जो लोअर ब्रेक इवन आ रहा है, ओके, ये बेसिकली 44,500 माइनस दिस प्रीमियम, ओके, एंड जो अपर ब्रेक इवन आ रहा है ये 45,000 प्लस 360, ओके। सो ये हमारे ब्रेक इवन लेग जा रहे हैं, तो हम इन स्ट्राइक्स पे स्टॉप रखेंगे। तो अभी के लिए सी बिकॉज हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, वी कैन लाइक पुट अ स्टॉप लॉस ऑन अ राउंड नंबर, कि आप जो भी इसका नियरेस्ट राउंड नंबर है वहां पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर आपको एग्जैक्टली रखना है तो उसी स्ट्राइक में भी रखोगे, आपको 2-5 पॉइंट का ही फर्क पड़ेगा। अगर आपको चाहिए तो 44,200 एंड 45,400 में भी रख सकते हो, बट मैं 44,000 एंड 45,500 पे रख रहा हूं बिकॉज यहां पे थोड़ा सा फील बेटर मिलता है, ओके, okay, ठीक है। तो ओटीएम स्ट्राइक पे स्टॉप रखना है, तो बेसिकली ओटीएम स्टॉप्स ऑन बी स्ट्राइक्स, ओके, सो इन पे स्टॉप्स रखना है। तो अब 44,000 का पुट पे आ जाते हैं, तो ये 44,000 का पुट है, ओके, तो ये 44,000 का पुट है, 9:30 पे इसकी प्राइस थी 75, ठीक है, ओके, हमने ट्रेड ली थी इसकी प्राइस थी 75 एंड कॉल की प्राइस 45,500 की 925 के आसपास, 50 रुपए, ओके, ठीक है, ओके। सो आपने ये पुट 200 पे बेचा है एंड ये कॉल आपने 160 पे बेचा है एंड जो आपके ओटीएम लेग्स है वो 75 और 50 पे चल रहा है, ठीक है। तो सी नॉन डायरेक्शनल बेसिकली आपको क्या करना है, आपने ये ट्रेड बना ली है, अगर मार्केट में समझो कुछ भी स्पाइक नहीं आता है, ओके, तो सपोज अभी कल का दिन का एग्जाम्पल से मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ये कल का दिन है, कल आप देखो मार्केट ये स्ट्रैडल की ओपनिंग थी, कल क्या हुआ स्ट्रैडल में स्पाइक आया वापस कूल ऑफ हुआ, वापस स्पाइक आया वापस कूल ऑफ हुआ, राइट। तो इस दिन पे क्या होता, आपने यहाँ पे पोजिशन बनाई आपकी यहाँ पर कट गई, आपने सोचा यार वापस कूल ऑफ हुआ वापस बनाता हूँ, वापस कट गई, राइट, एंड कंटिन्यूसली दिन में काफी स्पाइक्स है एंड इवेंचुअली वो डीके आया पर वो डीके आप रियलाइज ही नहीं कर पा रहे थे बिकॉज हर स्पाइक में आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे थे, राइट, ओके। सो कल का दिन वॉज अ डिफिकल्ट डे बिकॉज मार्केट ऊपर भी गया नीचे भी गया, 3 बार मार्केट ने स्विंग्स दिए, नीचे गया फिर वापस ऊपर गया एंड वापस नीचे आया एंड एंड में वापस ऊपर गया,
तो सी ऐसे दिन पे काफी वोलेटिलिटी यानी आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते रहेंगे। तो इस एग्जांपल से आप देखोगे अगर आपने ओटीएम पे स्टॉप रखा तो कैसे आपका डे खत्म होता है। ओके तो बेसिकली आपको स्टॉप्स को कैसे रखना है, तो आपने सबसे पहले आपको ये पता चल गया कौन सी स्ट्राइक्स बेचनी है, कौन सी स्ट्राइक्स पे स्टॉप लॉस रखना है। अभी इस पे स्टॉप लॉस कैसे रखना है वो समझते हैं, ठीक है। तो हाउ टू पुट स्टॉप लॉस ऑन ओटीएम लेग्स, ठीक है। ठीक है तो बेसिकली 44,000 का पुट 75 पे चल रहा है। ओके तो आपको स्टॉप लॉस जो भी चल रहा है 30% फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस रखना है ओटीएम पे, बेसिकली 30% ऊपर बाय पे लगाना है इसको। यस, तो अगर कोई ऑप्शन 70 पे चल रहा है, ठीक है, तो उसका 30% हो गया इनटू 1.3, तो 91 पे पुट पे आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। ओके ठीक है। एंड सी दीज आर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स इन द सिस्टम, जब तक मार्केट ये ऑप्शन 91 तक नहीं आएगा तब तक आपका वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। ओके सो इससे क्या फायदा होता है कि समझो मार्केट आपने पोजीशन बनाई एंड समझो मार्केट में बड़ा सा मूव आ गया डाउन मूव में, तो आपका एक पोजीशन, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एक सिनेरियो के लिए मैं एक एग्जांपल उसी को समझो, मार्केट में बड़ा मूव आया था डाउन मूव एंड आपका पुट बाई हो जाता है वो सिस्टम में, तो इसमें क्या होगा आपका लॉस एक बार के लिए कैप हो गया राइट, वो मूव के बाद मार्केट भले 500 पॉइंट गिरे 1000 पॉइंट गिरे आपको पता कि आपका लॉस इज कैप्ड राइट। एंड नॉन ड्यूरेशनल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो आपको लॉस भी दिख रहा है मैक्स लॉस तो एक्सपायरी पे आएगा, इंट्राडे लॉस तो इससे कम ही होगा राइट। ओके सो आपको बेसिकली क्या करना है, ओके सो आपको ओटीएम पे स्टॉप लॉस डालना है 30% ऑन द करंट मार्केट प्राइस। तो कॉल पे क्या स्टॉप रहेगा, 50 पे चल रहा है कॉल, ओके तो कॉल पे स्टॉप लॉस हो गया 65। तो यानी कि आप 91 और 65 पे बाय ऑर्डर्स लगा के छोड़ दोगे सिस्टम में। यस, सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो, ठीक है। ओके सो अभी हमने कल देखते हैं बैंक निफ्टी में हुआ क्या, ये बैंक निफ्टी यहां पर ओपन हुई, ठीक है, मार्केट नीचे आ गई राइट, खुलते ही नीचे आ गई, तो आई थिंक इस मूव में पुट का स्टॉप लॉस आ गया होगा। सो ये पुट का चार्ट है राइट, ये पुट यहां पर 91 पे गया, यहां पे आपका स्टॉप लॉस आ गया, ठीक है। ओके तो मैं इसको यहां पे ये पुट मैं कर रहा हूं 91 पे अपना आ गया। ओके तो जैसे ही अगर आपका एक साइड स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, ओके आप इमीडिएटली दूसरे साइड को बाय कर लो। ओके इसको एडजस्टमेंट कैसे करना है अपन एंड में आपको एक मैं आइडिया दूंगा, बट अभी के लिए सिर्फ इतना भी आप फॉलो करोगे आई कैन गारंटी आपकी नॉन ड्यूरेशनल ट्रेडिंग की एक्यूरेसी काफी बढ़ जाएगी, बिकॉज आप वॉलेटाइल डेज पे बच जाओगे। ओके तो आपका समझो पुट का स्टॉप लॉस आ गया, देन इमीडिएटली समझो आपका पुट का स्टॉप लॉस कितने बजे आया, यहां पर आया इस कैंडल में बेसिकली 9:45 के आसपास आ गया। हाँ 9:45 के आसपास आ गया, तो उस टाइम पे जो भी कॉल था हमने बाय कर लिया। यहाँ पर था कुछ 35 के आसपास बाय हुआ होगा। ओके ठीक है, ठीक है। अच्छा तो बेसिकली जो लेग ऑपोजिट साइड पे शॉर्ट करी हुई है उसको एग्जिट कर देना है। नहीं नहीं, तो बेसिकली सी आपने जो भी पोजीशन बनाई है तो बेसिकली आप स्ट्रैंगल को आयरन काउंटर में कन्वर्ट कर रहे हो। ओके ठीक है, ठीक है। So, अभी के लिए आपका जैसे ही पुट का स्टॉप लॉस आया तो ये दिस स्टॉप लॉस गॉट ट्रिगर्ड है 9:40, ठीक है, एसएल ट्रिगर्ड। ओके मैं इनमें समराइज भी करूंगा कि क्या किया हमने। ओके एज सून एज दिस गेट ट्रिगर्ड इमीडिएटली बाय द अदर साइड, ऑलराइट, एंड कन्वर्ट टू आईसी। तो यानी कि आपने जैसे ही एक लेग की एंट्री ट्रिगर होती है आप दूसरी भी बाय कर लोगे और एक तरीके से आपने स्ट्रैंगल बाय कर लिया है, आपने स्ट्रैंगल को आईसी में बना लिया है, आपका शॉर्ट लेग तो है ही राइट, राइट, आपके ओटीएम्स आपने बाय कर लिए, एक नया स्ट्रैंगल बाय हो गया एक तरीके से। यस, तो आपकी जो नेकेड स्ट्रैंगल थी वो आयरन कॉन्डोर में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पर ये कॉल ऑप्शन अपना 4500 कितने बाय हुआ था, 35 पे, राइट राइट। तो इसको भी मैं पोजीशन में ऐड कर लेता हूं। तो आप इस दिन पे देख रहे हो कि मार्केट इतना वोलेटाइल था राइट, इन दी एंड ऐसे डिफिकल्ट डे पे आप नेट लेग आपका लॉस नहीं हुआ है। एंड इफ यू सी दिस डे, ओके पहले क्या हुआ, मार्केट नीचे गई। ओके अगर आप नॉर्मल स्ट्रैंगल्स करते तो आप कैसे करते, आप क्या करते, यहां पे आपका पुट कट जाता, आप एक नया स्ट्रैंगल बनाते या नया शैडल बनाते, अप मूव में वापस वो कट जाता, वापस आप यहां पे एक और बनाते, डाउन मूव वापस वो कट जाता, वापस अप मूव में एक और कट जाता राइट।
तो आप देख रहे हो मार्केट यहां पे एक मूव में पहली बार आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, दूसरी बार भी हिट करेगा, तीसरी बार एंड चौथी बार। तो सी ये लाइक आई वुड से वाज अ डिफिकल्ट डे, वाज नॉट अ इजी डे फॉर नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स बिकॉज मार्केट नॉन डायरेक्शनल था, बट वो आपको एंड में था। यहां पर जब मार्केट ऊपर जा रही थी लग रहा था कि अब ट्रेंडिंग मूव आने वाला है, जब यहाँ पे नीचे आई तब लग रहा था वापस नीचे जाने वाला है। तो आप देख रहे हो ये दिन काफी डिफिकल्ट था राइट, बट ऐसे दिन पे भी यू आर क्लोजिंग योर ट्रेड इन द ग्रीन। तो इस आयन कॉन्डोर से क्या फायदा होता है कि क्योंकि मैं जैसे कि मैंने यहाँ बता रहा था राइट, ये जो डे था वॉज नॉट एन ईजी डे राइट। अब एम टू स्विंग्स देखो, यहाँ पे स्पाइक आया, वापस यहाँ पर स्पाइक आया, तो पूरे दिन स्पाइक थी एंड में रियलाइजेशन आया राइट। आपने क्या किया, अपनी पोजीशन को रिस्क मैनेजमेंट के साथ, देखो आपको पोजीशन की रिस्क दोनों साइड मैनेज्ड है, एंड उसके साथ भी आपने डीके को थोड़ा रियलाइज किया है। लाइक सी इन दी एंड जब ये पुट बाई हुआ होगा आपकी ट्रेड लॉस में थी, बट इन दी एंड क्या हुआ, जो डीके दोनों ये ऑप्शन है ये दोनों डीके लास्ट में हुए, एंड भले आपको हेज में थोड़ा लॉस हुआ बट नेट आपने पोजीशन अपनी ग्रीन में क्लोज करी है। एंड ऐसे दिन पे अगर आप एकदम कम लॉस में या फ्लैट भी क्लोज करो, इट्स एन अचीवमेंट। ओके, इंटरेस्टिंग आइडिया सौरभ। सो बेसिकली क्या है, आप अपनी एबिलिटी टू स्टे इन द ट्रेड बढ़ा रहे हो, सिंपल इज दैट। यस एंड सी जनरली क्या होता है मार्केट में, अगर आप सी मैं ओटीएम स्टॉक्स क्यों प्रेफर करता हूं मैं उसको वापस एक्सप्लेन करता हूं। तो अगर कल अगर आप देखो, कल मैं अगर ओटीएम स्टॉक्स नहीं रखता तो मैं आपको सिर्फ इसी कॉल का एग्जांपल दे देता हूं। कॉल साइड जो स्पाइक था, ओके दिस वाज 45,000 कॉल। सी ये कॉल हमने लगभग 160 पे शॉर्ट किया था, ये कॉल 160 का 340 तक गया राइट। राइट, तो जनरली क्या करते हैं हम, अगर जो एक ट्रेडिशनल जैसे 920 स्टाइल या ये सब में क्या होता है, एक आपका स्पाइक आ गया पोजीशन में, समझो यहाँ पे पोजीशन आपकी कट जाती, अब वापस यहाँ पे एक नया रिक्रिएट करते हैं राइट। ठीक है, तो वो पोजीशन में स्पाइक वापस आ गई। ओके, तो आपकी यहां पर एक स्टॉप लॉस, ये स्पाइक में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, एंड ये स्पाइक वापस कंटिन्यू, वापस दो स्टॉप लॉस आपके हिट हो जाते हैं। ठीक है, एंड सेम चीज पुट में से भी हुई है कि पुट में आपका यहां पर समझो आपने वापस जो रिक्रिएट की, वापस इस स्पाइक में पुट भी कट जाते हैं, बिकॉज ये स्पाइक छोटा स्पाइक ही नहीं, 100 रुपीज का पुट 260 हो गया राइट। सो नॉन डायरेक्शनल में जो मेरा फंडा रहता है कि यार मार्केट इंडियन हमको डीके रियलाइजेशन करना है, एंड एट द एंड ऑफ द डे मार्केट की अगर मैं जो मैंने पोजीशन बनाई है उसको अगर मैं मैनेज कर पाऊं सही तरीके से, सी ये स्टॉप्स आपके हर दिन तो ट्रिगर नहीं होंगे, मतलब 22 डेज में से समझो 5 दिन आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे राइट। तो उस दिन अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो आपको पैसा मिलेगा पर कम मिलेगा बिकॉज आपने हेज कर ली इंट्राडे के लिए राइट। ऐसी वोलेटिलिटी में आप वैसे भी आप नेकेड पोजीशन को मैनेज कर ही नहीं सकते, तो आपको एज अ ऑप्शन ट्रेडर रियलाइज करना है कि यार 22 डेज में जो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है ऑप्शन ट्रेडिंग या नॉन डायरेक्शनल से, कि यार बड़ा लॉस नहीं होने देना है, बिकॉज कल वाले दिन पे अगर आप रैंडम ट्रेडिंग करोगे तो आपको इजीली 100 पॉइंट का लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, बिकॉज जो मार्केट में वोलेटिलिटी थी आपके पुट भी कटेंगे और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, यार पुट भी कट रहा है, कॉल भी कट रहा है, सब कुछ कट रहा है, एंड इन दी एंड आप क्या देख रहे हो दोनों डीके हो गए। तो ऐसे दिन पे आपको क्या होगा कि अगर आप ओटीएम स्टॉक्स रख रहे हो तो इससे क्या फायदा हो रहा है कि आप ट्रेड में एक तो रुक पा रहे हो, एंड समझो जिस दिन मार्केट साइडवेज है कि मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आ रहा है आपके स्टॉप्स ही ट्रिगर नहीं होंगे। ठीक है, ओके, एंड जिस दिन मार्केट में मूवमेंट आ रहा है तब आपके स्टॉप्स ट्रिगर होंगे, एंड देन आपको थोड़ा सा लाइक आपको उस दिन के लिए आपको आप डिफेंसिव मोड पे आ गए हो कि यार आज के दिन पे मैं डिफेंसिव हूं राइट। बिकॉज आयन कॉन्डर भी नेट इज अ थीटा डी के स्ट्रेटेजी ओनली, सिर्फ वो ये कि हेजेस में थोड़ा लॉस होगा बट नेट अगर मार्केट साइडवेज है तो ट्रायंगल के कंपैरिजन में कम पॉइंट मिलेंगे पर आपको पॉइंट्स तो मिलेंगे। और सौरभ एक क्वेश्चन है कि व्हाट इफ ऑन अ डे जहां पे मार्केट ट्रेंड करते रहती है एंड वन साइडेड मूव आते रहते हैं फ्रॉम से ओपन टू क्लोज, तो इवन दो हम हेज हो गए हैं लेकिन क्योंकि हमारी लेग शॉर्ट वाली जो है उस पे लॉस ज्यादा हो रहा होगा, डू यू आल्सो हैव अ हार्ड स्टॉप लॉस कि यार इतना लॉस हो तो मैं एग्जिट कर दूंगा पूरी पोजीशन को? यस, तो ये मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना है। तो ये हमने एक सिस्टम डिस्कस किया एंड ये एक सिर्फ पार्ट ऑफ द सिस्टम है, एडजस्टमेंट्स भी होते पार्ट के, बट मैं एडजस्टमेंट स्पेसिफिकली सिर्फ एक हिंट दूंगा एक एग्जाम्पल से बट ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज वॉट आई वुड वॉन्ट द ऑडियंस कि आप पहले से भी इसको प्रैक्टिस करो एडजस्टमेंट्स। आप कुछ 6 महीने 1 साल इस स्ट्रैटेजी को भी प्रैक्टिस करोगे, एडजस्टमेंट आप बाद में समझ सकते हो। अर्जुन और हम वापस एक एडजस्टमेंट के लिए स्पेसिफिकली एक वीडियो बना सकते हैं कि एडजस्टमेंट कैसे करना है, यार बहुत लोगों को एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट रहता है बिकॉज मैं जब भी ये बात करता हूं बोलते हैं यार एडजस्टमेंट कैसे करें। ओके, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इंडियन के एग्जाम्पल से। बट यस, जैसे कि अर्जुन ने कहा कि यार मार्केट सी नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में अब है जो कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लॉस नहीं होगा, लॉस तो होगा अगर मार्केट ट्रेंडिंग है। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको जैसा कि मैंने कहा कि मैं आई चार्ट्स को काफी यूज करता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो
आई चार्ट्स में एक एग्जांपल बताता हूँ कि हम जब ट्रेडिंग करते हैं, जब हम ऑप्शन बेचते हैं, जब हम ऑप्शन बेच रहे हैं, राइट, जब मैं समझो यहाँ पे ये ऑप्शन बेच रहा हूँ, तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या है कि यार ये ऑप्शन नीचे जाना चाहिए, ये कंबाइन प्रीमियम ऑफ द चार्ट है, स्ट्रैंगल स्ट्रैडल जो भी आप कर रहे हो, तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है कि यार ये प्रीमियम नीचे जाने चाहिए, राइट, इसीलिए हम बेच रहे हैं, राइट राइट। सो जब ये नीचे जा रहे हैं तो बेसिकली आप एक ऐसा कुछ कर सकते हो कि कोई इंस्ट्रूमेंट बेरिश कब होगा, तो आप इसमें कुछ भी एक ट्रेंड फिल्टर डाल के भी एग्जिट कर सकते हो, बट जो मैं फॉलो करता हूं, मैं बता रहा हूं, तो जनरली जो मैंने ऑब्जर्व किया बैक टेस्ट से कि कंबाइंड प्रीमियम जब वीवैप के नीचे रहते हैं तब आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है डीके की ज्यादा हाई, एंड दिस इज कंबाइंड वीवैप ऑफ द कंबाइंड प्रीमियम, ओके ओके। तो समझो आप कुछ कुछ दिन होगा कि मार्केट भले रेंज में भी ओपन हो रहा है बट ड्यू टू सम इवेंट आईवी स्पाइक हो रही है, नो प्रीमियम सुबह से ही स्पाइक कर रहे होंगे, ओके तो बेसिकली इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है कि आपने समझो ट्रेड बना लिया है, आप कंबाइंड प्रीमियम भी देख लो, तो बेसिकली अगर कंबाइंड प्रीमियम एक नया लो मार रहा है इंट्राडे, तो एक चांसेस ज्यादा है कि यार डीके आ रहा है आज के दिन पे, ओके okay? उसके बाद बेसिकली आपको क्या करना है कि आपने जैसे ही पोजीशन बनाई है आपको ओटीएम पे स्टॉप्स डालने हैं, ओके okay? एंड एक चीज श्योर रखनी है कि जब आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है आपको नेट क्रेडिट मिले, नेट क्रेडिट का मतलब है हमने ऑप्शन 200 पे बेचा था, ओके okay? जब हमारा जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ वो 91 पे हुआ तो भी हमारे पास नेट 110 पॉइंट का क्रेडिट था, ऐसा नहीं कि आप 200 पे ऑप्शन बेच रहे हो और आपका जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है 210 पे हो रहा है ओटीएम पे, राइट right. तो मेक श्योर आपका नेट क्रेडिट हो जब बाय ट्रिगर हो, ओके okay. अब एग्जिट कब करना है, सी आपको एग्जिट कब करना है, अगर आपका M2M लॉस 1% ऑफ योर कैपिटल हो गया है, ओके देन यू हैव टू एग्जिट फॉर दैट डे। सी नॉन ड्यूरेशन ट्रेडिंग में जैसे कि मैंने कहा कि आपको लॉसेस आपको लिमिट में रखना है, नो डाउट लॉसेस कैप, बट आपको लॉसेस को लिमिट में रखना है, एक एग्जांपल से हम लेंगे कि हम जब तक ये 1% लॉस होता है तब तक हम ट्रेड को मैनेज कैसे कर सकते हैं, जैसा कि एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं, ओके तो बेसिकली आपको कैसे करना है, आपने ट्रेड ले ली, ओटीएम पे स्टॉप डाल दिया, ओटीएम ट्रिगर हो गए, आपको अभी ये पता है मेरे लॉसेस कैप्ड है, पर जब तक वो लॉस मैक्सिमम लॉस आता है, मैक्सिमम लॉस कब आएगा नॉन डायरेक्शन में, जब मार्केट ट्रेंडिंग हो गए, राइट, कि मार्केट एक डायरेक्शन में ट्रेंड पकड़ लिया है एंड आप नॉन डायरेक्शन में अभी भी खड़े हुए हो, Right. उसको कैसे मैनेज करना है वो हम समझेंगे, बट आपको एक रूल याद रखना है कि अगर आपका लॉस 1% ऑफ द कैपिटल हिट हो गया है, ओके देन आप पोजीशन से एग्जिट कर लो, बिकॉज उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपका 1% लॉस हिट हो गया, मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो गया, अगर स्ट्राइक इन द मनी हो गई है तो वो और लॉस बढ़ते ही जाएगा, ठीक है यस yes, तो एक रूल सिर्फ जो मैं फॉलो करता हूँ कि स्ट्राइक अगर आपकी एटीएम अगर आपका 1% लॉस हो रहा है अगर आपका कैपिटल पे, तो आपको पोजीशन से एग्जिट करना है, एंड पोजीशन साइजिंग भी कैसे रखनी है कि आपको 2 लाख रुपए पे एक लॉट ट्रायंगल बनाना है, ओके मिनिमम 2 लाख पे 1 लॉट, उससे ज्यादा उससे लाइक हेज बेच करके इंट्राडे बहुत लोग मार्जिन बाई करते हैं, छोटे 5-5 रुपए के ऑप्शन एक्स्ट्रा क्वांटिटी मारते वो मत कीजिए, 2 लाख पे 1 लॉट इज द राइट पोजीशन साइजिंग। तो सौरभ जैसे अब लॉट साइज 15 का है और मार्जिन करीब 1,05,000-10,000 रुपए है, तो मतलब एक लॉट के लिए आप कह रहे हो 2 लाख रुपए रखने चाहिए। Yes, अगर आप एकदम नया स्टार्ट कर रहे हो तो आई वुड से 2 लाख रुपए पे एक लॉट रखो, अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, आपने स्ट्रैंगल्स को ट्रेड किया है, तो आप 1 या 1.5 लाख तक भी कर सकते हो, बट जो मेरे मतलब मेरी जो पोजीशन साइजिंग ऐसी रहती है कि 1 करोड़ पे 1,000 क्वांटिटी, तो okay, 1 करोड़ में भी समझो बैंक निफ्टी 9-15 की लॉट साइज हो गई है, तो 1050 के आसपास लाइक 900+150 उतनी क्वांटिटी आप 1 करोड़ पे रख सकते हो, तो बेसिकली 10 लाख के ऊपर 150 क्वांटिटी इज द राइट पोजीशन साइजिंग, ठीक है यस, तो एक लॉट लगभग, ठीक है ओके अर्जुन। तो अब सी अब तो बेसिकली ये सिस्टम सिंपल है कि आपने सी अभी आपको मैं इसमें एक चीज ये बताऊं कि जब मार्केट साइडवेज रहता है तब क्या होगा कि आपके ओटीएम भी डीके होंगे, राइट तो सपोज ये दिन सपोज मार्केट अगर साइडवेज होता कि मार्केट हिलता ही नहीं, बैंक निफ्टी समझो यहाँ पे खुल के यहीं पे टाइम पास करती, तो इस केस में क्या होता है, जो ओटीएम हमने रखे हैं जो 75 और 50 पे चल रहे ये भी धीरे धीरे डीके होते, राइट राइट, ये कुछ समय बाद ये ऑप्शन आपका समझो 65 पे आ जाता, ये ऑप्शन समझो 40 पे आ जाता, ऐसे रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपके ओटीएम भी डीके हो रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे जैसे जैसे आपको ऑन एवरी लाइक 10 पॉइंट प्रॉफिट आपको जैसे स्ट्रैंगल में आप इसको ओटीएम को भी ट्रेल करो, तो अब जब ये 65 हो गया है तो नाउ योर स्टॉप लॉस इज 30% फ्रॉम दिस, तो इससे क्या फायदा हो रहा है कि जैसे जैसे आपकी पोजिशन फेवर में जा रही है यू आर रिड्यूसिंग योर रिस्क, तो नाउ आपका स्टॉप लॉस 85 आ गया है एंड ये 52 आ गया है कॉल पे, तो इससे फायदा क्या हो रहा है, एज द ट्रेड इज गोइंग इन फेवर यू आर रिड्यूसिंग योर रिस्क, एंड अब समझो स्पाइक भी आएगा तो आपका जो लॉस है वो कम होगा, बिकॉज आपका ऑलरेडी स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया, जो 95 पे 91 पे बाय हो रहा था 85 पे बाय हो जाएगा,
राइट. तो द डेज व्हेन मार्केट्स आर वेरी साइडवेज या जब बड़ा स्विंग नहीं आ रहा है तो आपके ओटीएम भी ट्रिगर होंगे, आपकी रिस्क पूरे दिन कम होती रहेगी, एंड बहुत सारे ऐसे दिन है तो कि कोई भी स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं होगा. करेक्ट. तो दोज डेज आर वेरी इजी डेज एंड दोज डेज मोस्ट ऑफ यूर विल एनीवेज मेक मनी, राइट. बट डेज लाइक येस्टरडे जिसमें मार्केट काफी वोलेटाइल है, ऊपर नीचे कर रहा है पूरा दिन, तो उसमें समझो आपका एक साइड बाय हो गया, अब दूसरे साइड को बाय करो, सी आराम से वेट कर सकते हो ट्रेड में, बिकॉज आपका लॉस तो कैप्ड है एंड आपको एग्जिट कब करना है, जब आपका 1% लॉस हिट होगा. एंड अगर आप इसको प्रॉपरली एज करोगे, आपका 1% लॉस अगर वो स्ट्राइक आईटीएम या एटीएम होगी तब हिट होगा, अगर आप एक्यूरेट पोजिशन साइजिंग पे जा रहे हो तो. तो सी ये जो मैंने बताया ये जो कॉन्सेप्ट है इट्स गुड फॉर बिगनर्स जिनको लाइक ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं करनी है, ट्रेड बना ली स्टॉप लॉस आ गया एंड यू कैन ऑटोमेट ऑल्सो दिस, राइट. बट बहुत लोगों को ऑप्शन एडजस्टमेंट्स में इंटरेस्ट होता है. मैं एक स्पेसिफिक सिनेरियो ले रहा हूँ, एक दिन ले रहा हूँ जब मार्केट वॉज डिफिकल्ट, ओके, एंड हाउ आई मैनेज द ट्रेड, ठीक है. तो ये 11th जैन का है 23, ओके. तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है. तो बैंक निफ्टी ने क्या किया था इस दिन, प्रीवियस दो दिन का लो ब्रेक किया था, ओके, जो 41,800 के आसपास था उसको ब्रेक किया, उसके नीचे चली गई. तो यहाँ पर मार्केट थोड़ी सी बेरिश हो गई थी, ओके. तो सी जब मार्केट बेरिश होती है तब हम क्या करते हैं, थोड़ी स्क्यूड पोजीशन बनाते हैं. सी जब मार्केट रेंज में है तब हम क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल पोजीशन बना रहे हैं, सेम प्रीमियम बेच रहे. तो जब मार्केट बेरिश हुई तो मैंने स्क्यूड पोजीशन बनाई. स्क्यूड का मतलब मेरे कॉल एक्सपेंसिव थे, पुट सस्ते थे, ठीक है. तो आप देख रहे हो मेरी पोजीशन थी 42,300 का कॉल 86 पे एंड 41,100 का पुट 50 रुपीज पे, ओके. तो मार्केट मेरा कॉल महंगा है पुट सस्ता है, ओके. बट इस दिन यानी कि आप थोड़ा सा डायरेक्शनल एलिमेंट डाल देते हो डिपेंडिंग ऑन द योर टेक्निकल रीडिंग या चार्ट्स की रीडिंग. यस. तो जो हमने सिनेरियो डिस्कस किया वो था जब मार्केट रेंज में होता, राइट. बट मार्केट हर दिन तो रेंज में नहीं हो रहा, कुछ दिन रेंज ब्रेक भी करेगा हाई लो, राइट. जब मार्केट रेंज ब्रेक कर रहा है तब थोड़ा सा एक डायरेक्शन बायस लेके आ जाते पोजिशन में, ओके, ठीक है, ठीक है. तो इस दिन पे देखो मतलब मैंने पोजिशन बनाई पर उसके बाद भी मार्केट में प्रीमियम स्पाइक हो रहे थे, थोड़ा लॉस हो रहा था, 10 पॉइंट का लगभग लॉस हो गया था, ओके. तो अब देखोगे कि उस दिन क्या हुआ, मार्केट यहां पर आपको लग रहा था बेरिश है एंड अब देखो ये बैंक निफ्टी में 450 पॉइंट की कैंडल, एक कैंडल 450 नहीं 500 पॉइंट की कैंडल है, 800 से ऑलमोस्ट 300 का हाई बना इसका एंड दिस इज जस्ट अ 5 मिनट कैंडल. तो इसलिए व्हेनेवर यू आर ट्रेडिंग बैंक निफ्टी, सी दिस इज माय बिगेस्ट लर्निंग, कि आपको आप दोनों साइड के लिए प्रिपेयर रहो. बैंक निफ्टी सच अ वोलेटाइल एनिमल के आपको वो, आप सोच रहे हो कि डे लो मारेगा, यहां पर मैं सोच आपको लग रहा था कि यार मार्केट ये बेरिश ही है, बट इससे जो बेरिश से सीधा डे हाई आ गया है यानी 500 पॉइंट एक कैंडल में, तो आप इमेजिन कर सकते हो कॉल्स में कितना स्पाइक हुआ होगा, पोजीशन में लॉस भी हुआ होगा. तो वो बता रहा हूं कि इसको मैंने कैसे मैनेज किया. तो फर्स्ट लर्निंग इज इफ यू आर ट्रेडिंग नॉन डायरेक्शनल या कोई भी स्ट्रेटेजी, डोंट हैव अ बायस कि मार्केट नीचे ही जाने वाली है, बस बी ओपन माइंडेड कि यार ठीक है अगर ऊपर जाएगी तो मैं ऐसे करूंगा, नीचे जाएगी तो मैं ऐसे करूंगा. व्यू हमारा यहाँ पर बेरिश था, वो गलत व्यू भी नहीं था बिकॉज मार्केट रेंज ब्रेक कर रहा है दो दिनों की, तो व्यू बेरिश है. बट सी मार्केट्स आर डिजाइन टू कंफ्यूज मोस्ट ऑफ द पीपल, यहाँ पे सब शॉर्ट हो गए उसके बाद ही ये कैंडल बनी, राइट, ओके. सो ये बड़ा स्पाइक था 500 पॉइंट की कैंडल 5 मिनट में एंड ये डे मैंने स्पेसिफिकली लिया बिकॉज सी ऐसे दिन पे इन नॉन डायरेक्शन इफ यू सर्वाइव देन यू हैव अराइव्ड एज अ ट्रेडर, बिकॉज ऐसे दिन पे आपको पैसा बनना डिफिकल्ट बिकॉज 500 पॉइंट एक मिनट में, अगर 5 मिनट में आ रही तो आपको काफी बड़ा लॉस इमीडिएटली स्क्रीन पे देखेगा. तो अभी देख रही है ऑप्शन का चार्ट है 42,300 का, ये 70 या 80 रुपीज से देखो एक ही कैंडल में, दिस इज जस्ट वन कैंडल 220 गया है, 80 से 120 ये एक कैंडल है एंड नेक्स्ट कैंडल देखो क्या हुआ, वापस थोड़ा 100 तक आया एंड उसके बाद वापस बढ़ा. अब ये वोलेटिलिटी में आप ट्रेड कैसे करोगे, आपके स्टॉप हिट होंगे, यहाँ पे आप बेचोगे वापस हिट हो जाएगा, ऊपर जा रही है, ओके. तो इसको कैसे मैनेज किया मैं बताता हूँ, सेम जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट किया था ओटीएम पे स्टॉप डाला था. तो आप देख रहे हो मेरा ओटीएम स्टॉप आ गया, ठीक है, 42,800 मेरा स्टॉप लॉस आ गया, राइट, ओके. सो आप देख रहे हो ये स्टॉप आ गया, इमीडिएटली 3 लाख का लॉस स्क्रीन पे आ गया, ठीक है. बट मार्केट यहां पर रुकी नहीं, ये कॉल जो 140 पे चल रहा है ये रुका नहीं, ये 227 आ गया. अब देख रहे हो लॉस 6.5 लाख का हो गया, ओके. बट अब आप देख रहे हो कि 6.5 लाख का लॉस हो गया, ओके. एंड ये जो पोजिशन साइजिंग थी ये लगभग 7.5 करोड़ पे ये पोजिशन साइजिंग थी, ठीक है. सो बेसिकली See, on days I was ready to book a loss. So my limit was कि 10 lakh का loss होगा, I'll exit everything. ठीक है. तो market ने मेरा hedge आ गया, ये आ गया. पर see, hedge से क्या हुआ, मैं position में रुक पाया, hedge में मुझे थोड़ा profit भी हो रहा है, 1.7 1.6 lakh hedge में profit हो रहा है, okay. पर इसके बाद आप देखो market में क्या हुआ, ये जो candle बनी इसके बाद market क्या हो गया, पूरा sideways हो गया, ठीक है, right.
तो अब मैं आपको बता रहा हूँ बेनिफिट ऑफ ओटीएम स्टॉप्स। सी अगर आप यहाँ पे आपकी कोई स्ट्रैडल होती तो ये स्पाइक में आपकी स्ट्रैडल कट जाती, वो भी अच्छे स्पाइक पे कटती, 100 पॉइंट के लॉस में कटती स्ट्रैडल, राइट। उसके बाद लाइक आप री एंट्री भी थोड़ा टाइम बाद करते तो तब तक आपका वो डीके ऑलरेडी आ चुका था, लाइक बिकॉज यहाँ पे अगर पोजिशन करते तो आप इमीडिएटली समझो रोल करते या जो भी होता है, बड़ा लॉस ऑलरेडी रियलाइज हो जाता, ठीक है। तो अभी इस दिन मैंने क्या किया, तो अब देखो ये मेरा डे एंड का प्रॉफिट है -97,000, राइट, फ्रॉम 6.5 लाख 97,000 पे पोजिशन क्लोज हुई है, ओके। तो उस दिन मैंने क्या किया, मैं आपको वापस सेम वो तरीके से बताऊं कि यहां पर मेरा जैसे ही हेज बाई हुआ, राइट, ओके। तो सी मैंने क्या किया, जैसे कि मैंने कहा कि लाइक हमने जो अभी एग्जांपल दिया था उसमें हम क्या कर रहे थे, सीधा आईसी डायरेक्टली बना रहे थे, राइट राइट। अब एक चीज ऐसा भी कर सकते हो कि अभी आपका यहाँ पे हेज बाई हो गया, ओके, ये कॉल आपका 227 चल रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने पुट्स को रोल अप किया। तो अब यहां पर अगर देखोगे जो मेरा पुट था 41,100 था, अब यहाँ पे देख रहे हो मेरे पुट ऊपर में आ गया, 41,500 पे आ गया, धीरे धीरे ऊपर लाते रहे उसको, हाँ पुट को लाते गया, बिकॉज सी तो अगेन जैसे कि अर्जुन आप कह रहे थे कि मार्केट में ट्रेंडिंग आ गया तो क्या करना, तो आपका एक साइड का लॉस तो कैप्ट है, आपका हेज हो गया, आपको दूसरे साइड से एक्स्ट्रा क्रेडिट लेना है, एंड आपका जब तक 1% लॉस नहीं होता यू कैन डिफेंड योर पोजिशन, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप एक्स्ट्रा क्रेडिट ले रहे हो पुट्स को रोल अप करके, ठीक है, ओके। तो इससे क्या होगा कि आपने पुट्स को रोल अप किया एंड इवेंचुअली आप देखो मार्केट साइडवेज हो गई इस दिन, राइट, तो जो डीके था वो रियलाइज हुआ एंड लॉस काफी हद तक कम हो गया। तो जो लर्निंग है, मतलब मुझे मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है, पहले मैं क्या करता ट्रेड को बहुत ज्यादा एडजस्ट करता था, मुझे लगता था यार हमको इतने दिन स्क्रीन पे बैठते इतना टाइम तो एडजस्ट तो करना ही है, बट एज अ ट्रेडर क्या होता है कि जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में जिस दिन मार्केट एकदम ट्रेंडिंग हो गया या जिस दिन आईवी स्पाइक रुकी नहीं रही है, ओके, तो मैंने ट्विटर पे ये पोस्ट भी डाला था, आई थिंक अप्रैल की बात है, शक्तिकांत दास सडनली अपने गवर्नर टीवी पे आए, बोला कि हम रेट हाइक कर रहे हैं, yes। उस दिन आईवी स्पाइक बहुत बढ़िया आई थी, मुझे 4% का कैपिटल लॉस हुआ था, मैंने ट्विटर पे डाला भी है। तो उस दिन मैंने क्या किया था, मैं पोजीशन को मैनेज ही करते जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ओटीएम स्टॉप आ गया है पर मुझे लग रहा है यार ये हेज में तो लॉस होगा, मैं हेज को काट रहा हूँ, नई पोजीशन बना रहा हूँ, वापस स्पाइक आ रहा है, वापस पोजीशन कट रही, वापस नहीं बना रहा हूँ, राइट। तो सी सम डेज फॉर नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स यू हैव टू डिसाइड कि 252 डेज में से 30-40 दिन तो आप ट्रेड को मैनेज कर ही नहीं सकते, चाहे आप कितने भी स्किलफुल हो, नहीं कर सकते, आपको लॉस लेना ही है। सो यू डोंट हैव टू ट्राई स्टंट्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टंट्स, क्या नहीं आज तो भले स्पाइक आ रहा है, तो सी कैसा होता है एज ऑप्शन ट्रेडर वी आर वायर्ड के यार ये 500 की चैनल 600 में मिल रही है, अब तो और फायदा है, और 600 की 650 होगी, आप और पोजिशन बढ़ाते हो। तो सम डेज एज अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर यू हैव टू रियलाइज कि नहीं आज के दिन पे मुझे से बचना है, मुझे बड़ा लॉस नहीं करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्ट ऑफ द स्लाइड में भी कहा था प्रेजेंटेशन में कि वी डोंट हैव द क्वेश्चन, या एक हमारे पास ऐसा क्वेश्चन नहीं कि हम 500 पॉइंट का भी लॉस करें तो हमारे पास अगली दिन ऐसी ट्रेड आ जाएगी जिसमें 500 पॉइंट मिल सकते हैं, राइट। डायरेक्शनल ट्रेडर्स के पास वो क्वेश्चन है कि यार 500 पॉइंट का लॉस भी हो गया उसका 1000 पॉइंट की ट्रेंड एक दिन में वो कैप्चर कर सकता है, ओके। सो वी आर ऑलवेज बेटिंग ऑन डेज वेयर लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल मेक मनी बट वी कैन नॉट अफोर्ड बिग लॉसेस, करेक्ट। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि आपको बेसिकली अगर आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके लिए जो टेक अवे इस वीडियो से ये होना चाहिए कि आप पोजिशन बनाओ, ओटीएम पे स्टॉप्स रखो, अगेन वापस ओटीएम पे स्टॉप से क्या फायदा हो रहा है, किसी ये पोजीशन अगर मैं ओटीएम पे स्टॉप नहीं रखता तो क्या होता है, यहां पर कट जाती, उसके बाद क्या होता है वो इमीडिएटली डीके आ जाता, तो मैं वापस बनती वापस नीचे पे, बिल्कुल, एंड वापस वो स्पाइक आ गया। तो मैंने क्या किया, सेम पोजीशन को 200 पे कट किया, 100 पे बनी, वापस 200 पे कट कर दिया, यानी मूवमेंट इतना फास्ट था कि जब तक सोचो तब तक तो वो हो जाता है, जनरली मतलब मैं ओटीएम स्टॉप से तुमको सब बड़ी क्वांटिटी अगर ट्रेड करो तो यहाँ पे अगर आपका ट्रिगर हो गया तो आपको एंट्री करने में भी टाइम लग जाता है, टाइम लगेगा, तो आपको 50-60 पॉइंट का लॉस जो आपको कमाने हैं दिन के वो आपके एक इसमें स्पाइक में ही चले गए। तो ओटीएम स्टॉप्स का एक बेनिफिट क्या है कि इट अलाउज यू टू स्टे इन द ट्रेड, सी यहाँ पे भले मेरा लॉस बढ़ रहा था, राइट, नो डाउट, बट स्टिल द लॉस वाज इन कंट्रोल, इट वाज अंडर 1%, सो आई कुड स्टे इन द पोजीशन, क्या ठीक है, बिकॉज आई न्यू आई कैन मैनेज द ट्रेड। तो आप देखो ये पुट जो मेरा था 18 रुपए पे आ गया, तो बाद में मैंने आप देखो इसी पुट को रोल अप किया, ओके, आप देखो मैंने पुट्स को रोल अप किया, महंगे पुट बेचे, इवेंचुअली वो डीके आया है, राइट। तो आपके लिए लर्निंग ये होनी चाहिए कि अगर आप नॉन डेशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, सी इसको अगर हम चाहिए तो आगे जाके, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही इतना लंबा है कि आप मुझे I know. हेलो, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट आई थिंक यू हैव एक्सप्लेन्ड इट ब्यूटिफुली, और आपने जो एक मेथड बताया है बाइंग ओटीएम्स का, दिस इज अ वेरी डिफरेंट अप्रोच, नॉट लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट, क्योंकि लोग क्या करते हैं उसके साथ एडजस्टमेंट करते रहते हैं और मार्केट के साथ लड़ते रहते हैं, yes। तो जैसा आपने कहा यार मार्केट के साथ एक हद तक ही लड़ सकते हो, उसके बाद हाथ जोड़ के साइड हो जाओ कि मेरा दिन नहीं है, ये सीधी सी बात,
1% लॉस लिया, दिन खत्म कर दिया. बट थ्रू बाइंग ऑप्शंस व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि आप पोजीशन में थोड़ी और देर टिक सकते हो. कभी कभी मार्केट एक स्पाइक मार के वापस आ जाती है और दिन भर रेंज बाउंड हो जाती है. Yes. तो उस सिनेरियो को आप कैप्चर कर पाते हो अच्छे से. Yes. And see, easy days में तो anyways आपके stops trigger नहीं होंगे, तो आप पैसा बना रहे हो. तो as a non-directional trader, see, हर strategy में आपको सोचना है कि मेरी strategy का drawback क्या है. तो अगर मेरी slide भी देखो, जो first है, risk क्या है, large delta movements and IV spikes. तो मैं जो भी trade कर रहा हूँ, मुझे पता क्या मेरी risk क्या है, कि बड़ा trending move आ गया तो risk है, या कोई IV spike आ गई, जो suddenly कोई news आ गई and बड़ा IV spike आ गया. तो मैंने पास साथ ऐसा भी हुआ है कि मैंने दोनों पोजीशन के स्टॉप लॉस एक साथ कटे, कि आईवी स्पाइक, कॉल भी सेम टाइम पे पड़े, पुट भी सेम टाइम पे पड़े. यस. तो जब कुछ भी न्यूज आ जाती है अटैक की या कुछ भी, तब ऐसा भी हो सकता है. तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेटेजी में ये रिस्क है, आप इस रिस्क को मिटिगेट कैसे करना है. तो आप ओटीएम स्टॉप्स डाल सकते हो, उसको से ट्रेड में लंबा रोक सकते हो. एक और चीज, बैंक निफ्टी अगर ट्रेड करो तो बी प्रिपेयर कि ऐसी 500 पॉइंट की 1000 पॉइंट की कैंडल 5 मिनट बनना बैंक निफ्टी के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है. So I'm not scaring you, but see, you have to be aware कि ऐसा हो सकता है मार्केट में 500 पॉइंट एक मिनट बन सकता है. Yes. So एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्या सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रेटजी निफ्टी में भी डिप्लॉय करी जा सकती है, या वहां पे इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है? नहीं, सेम चीज आप निफ्टी में भी डिप्लॉय कर सकते हो. ओके. निफ्टी में भी सेम, लाइक आपके स्टॉक्स, लाइक बेसिकली आप स्ट्राइक्स जो प्रीमियम है निफ्टी में, बैंक निफ्टी के कंपेरिजन में कम होंगे. बैंक निफ्टी में समझो आप 100-100 या 150-150 वाले बेच रहे हो, निफ्टी में वो 60-70 के हो जाएंगे. तो आपको जो स्टॉप लॉस रखना है, 2-2, 3-3 स्ट्राइक दूर रखना है. सेम लॉजिक आप निफ्टी में भी डिप्लॉय कर सकते हो, फिर निफ्टी में मत करना बस. तो निफ्टी में भी आप सेम स्ट्राइक स्ट्रेटजी डिप्लॉय करके निफ्टी को भी सेम तरीके से ट्रेड कर सकते हैं. एंड द थिंग रिमेन्स कि आप एक्सपायरी पे भी ये सिमिलर सिस्टम चला सकते हो, क्योंकि इतनी एक्सपायरीज आ गई और एक्सपायरी ट्रेडर्स की चिंता बढ़ती जा रही है देश में. नहीं, एक्सपायरी ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा अलग होता है. सी, एक्सपायरी ट्रेडिंग में आप ये क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज सी, एक्सपायरी पे जो आपका मैक्स लॉस है, दैट विल गेट रियलाइजेशन. समझो भले आपके ओटीएम स्टॉक्स भी आ गए, राइट, समझो आपने 40/44 बैंड भी चल रही है, आपने 40/200 का कॉल शॉर्ट किया, आपका 40/200 हेज बाय हो गया. अब मार्केट समझो 40/100 पे भी आई, तो क्या होगा, 45 के कॉल में लॉस होगा एंड हेज तो जीरो हो जाएगा. तो एक्सपायरी पे आप ये नहीं कर सकते, बिकॉज एक्सपायरी पे कैसे आपको आज ही पोजिशन को कट करना है. ये हम इंट्राडे बाकी दिन पे कर पा रहे हैं, बिकॉज आपके पता ये स्पाइक कूल ऑफ होगा, मैनेज कर सकते हो. पर एक्सपायरी में अगर डायरेक्शन मूव आ गया तो आपका मैक्स लॉस इमीडिएटली रेज होगा. तो एक्सपायरी के लिए थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटजीज है, एक्सपायरी पे लिए मत कीजिए ये. बट यस, आप लाइक बेसिकली एक्सपायरी पे सिर्फ आप ये कॉन्सेप्ट रख सकते हैं कि आपके पोजीशन के स्टॉप लॉस जो है आपको दूर दूर जाना है. एंड जो भी लॉजिक है आपका एक्सपायरी पे ये कि बड़ा लॉस नहीं करना, बिकॉज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि नाउ लोगों को लग रहा है कि इतनी सारी एक्सपायरी जा रही है और इजी हो जाएगा पैसा बनाना. पर आपको अप्रोच क्या करनी है कि यार अभी समझो आप एक्सपायरी पे समझो 1% टारगेट करते हो फॉर एग्जांपल, तो आपको वो एक्सपायरी पे अभी सिर्फ 0.3% टारगेट करना है. एंड सी, 0.3% फॉर बैंक निफ्टी, लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं एक नंबर दूं, तो आप 1 करोड़ पे समझो 1000 क्वांटिटी मार रहे हो, तो आपको सिर्फ 30 पॉइंट चाहिए इंट्राडे 0.3% के लिए. सो व्हाट यू कैन डू इज रैदर देन टारगेटिंग 1% फॉर वन एक्सपायरी, 3 एक्सपायरी है 0.3, 0.3, 0.3, 1% या लाइक समवेयर लेसर फॉर द वीक यू कैन टारगेट. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज फॉर एक्सपायरी, वी हैव टू रिड्यूस द रिस्क ऑन ईच एक्सपायरी, बिकॉज आई बिलीव के जितनी ज्यादा एक्सपायरी है उतनी मार्केट और वोलेटाइल होगी. हमने देखा भी ट्यूजडे मार्केट में बहुत वोलेटाइल हो गए, राइट, जैसे बैंक निफ्टी वेनेसडे होगा, बैंक निफ्टी लाइक मार्केट में और वोलेटाइलिटी आएगी. तो आपको रिस्क रिड्यूस करना है ईच एक्सपायरी. एंड आपको बेसिकली एक्सपायरी में थोड़े अलग सिस्टम्स है, टाइम मिला तो वो कभी आगे डिस्कस करेंगे. बट बाकी दिन पे आप ये बिल्कुल स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो. एंड एज अगेन आई वुड समराइज कि कीप योर लॉसेस इन चेक इन नॉन डायरेक्शनल, बिकॉज कुछ बार होगा कि लॉसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, आप थोड़ा सा लाइटली लोगे मार्केट को, बट वो गलती मत करना बस. सौरभ, जाते जाते एनी स्पेसिफिक थिंग दैट यू वुड लाइक टू टेल फॉर द न्यू पीपल, जो नए लोग हैं और इस स्ट्रेटजी को ट्राई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कोई खास बात जो आप बताना चाहोगे? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो है ना हमेशा डाउनसाइड रिस्क को प्रोटेक्ट करते हैं. उनको क्या लगता है कि अपसाइड में तो रिस्क मार्केट में है ही नहीं, इंट्राडे भी, नॉट ओवरनाइट, तो लोग ऐसे करते ही है. इंट्राडे भी लोगों को लगता है मार्केट ऊपर तो क्या ही जाएगा, मैनेज कर लेंगे ट्रेड को. तो ये आप दिन देखो, 20 सितंबर 2019, इस दिन बैंक निफ्टी इंट्राडे ऑलमोस्ट 10% बढ़ा था. तो ये मैं एग्जांपल क्यों बता रहा हूँ, सी ऐसे दिन पे इफ यू डू नॉट मैनेज रिस्क, सी 2 रुपए का कॉल ऑप्शन ऑलमोस्ट 1000 रुपए हो गया. सो दीज डेज आर इनफ टू पुश यू आउट ऑफ द मार्केट. अगर आप इस दिन पे पोजिशन को फाइट करते जा रहे हो तो आप इन द एंड यू विल एंड अप विद अ वेरी बिग लॉस, राइट. तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा नए लोगों को कि मार्केट में वोलेटिलिटी, या बेसिकली आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, सपोज आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग ले रहे हो, तो ऑलवेज बी कीप योर लॉसेस इन चेक, बिकॉज यू डोंट हैव द
प्रिविलेज कि यार आप बड़े लॉस के बाद वापस आप इजीली बड़े प्रॉफिट्स भी कमा सकते हो. सो अगर आप एज अ ऑप्शन ट्रेडर इफ यू कीप योर लॉसेज इन कंट्रोल दिस इज वेरी हाई चांसेस यू एंड अप मेकिंग गुड मनी बट प्रोवाइडेड यू कीप योर लॉसेज इन कंट्रोल. तो अगर समझो आप इंट्राडे 50 पॉइंट कमा पा रहे हो तो आपके लॉसेस 50 या 60 पॉइंट से कम ही होने चाहिए. तो सिर्फ इसको रूल को फॉलो कीजिए एंड डोंट फायर फाइट द मार्केट. जो मेरे सबसे लार्जेस्ट लॉसेज हुए हैं मार्केट्स में इज ड्यू टू बिकॉज आई वॉज ओवर स्मार्ट. फायर फाइट कर रहा हूँ, अरे यार ठीक है ये बढ़ गया इसको मैनेज करूंगा मैनेज करूंगा. एंड सम डेज आर डेज आर विच कैन नॉट बी मैनेज. इवन अर्जुन वुड अग्री कुछ दिन आपको ब्रेक मारना पड़ेगा भाई आज आज हो गया बस. तो वैसे दिन अगर आप बच गए तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है बढ़ जाएगी. तो आपको सिर्फ एक चीज जो कहूंगा कि 252 डेज में से मोस्ट ऑफ द डेज आपको पैसा बन जाएगा. जो दिन पे लॉसेज हो रहे हैं आप आइडेंटिफाई करो कि कौन से दिन पे लॉसेज हो रहे. तो मैंने जो रियलाइज किया है कि फेड मीट होती है कोई मेजर बैंक है तो कल एसबीआई का रिजल्ट है इसके लिए इतनी वोलेटिलिटी. तो उस दिन पे आप थोड़ा सा पोजीशन को ध्यान से ज्यादा फायर फाइट मत कीजिए एंड कीप योर लॉसेज अंडर कंट्रोल. एंड इफ यू जस्ट कीप योर लॉसेज अंडर कंट्रोल ऑल्सो एज एन ऑप्शन ट्रेडर इवेंचुअली पैसा आ ही जाएगा. और अब 40 मिनट में आपने जितना ज्ञान दे दिया है ना आई थिंक इट इज मोर देन इनफ टू सम फॉर समवन टू यू नो आई वुड से कि प्रॉफिटेबली ट्रेड स्ट्रैंगल्स प्रोवाइडेड डिसिप्लिन से कोई ट्रेड करें और जो भी आपने बताया है उसको फॉलो करें एंड रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखें. फ्यूचर में अगर हमें टाइम मिला और आपको टाइम मिला तो वी वुड लव टू डू अ वीडियो विद यू अगेन बिकॉज देयर इज लॉट्स टू कवर एंड आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है. थैंक यू सो वेरी मच सौरभ टाइम दिया आपने हमें और ऑडियंस को इतना सारा वैल्यूएबल अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करिए. थैंक यू अर्जुन इट वॉज अ प्लेजर एंड आई होप लाइक वीडियो के बाद लोग थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट को ज्यादा फोकस दें एंड आगे जाते हुए जो भी ट्रेड करें हमेशा रिस्क फर्स्ट अप्रोच से करें. थैंक यू सौरभ थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू अर्जुन. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.